अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ट्विस्टेड मील्स एंड ब्यूटी। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है निकाई के हैंड मिक्सर के रिव्यू पर। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू मैं इसका देने वाली हूँ, ठीक है जी, क्योंकि मैं इसको यूज़ करके ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैक था कि मैंने आपके लिए रीपैक कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू ये बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम इसकी आउटर पैकेजिंग देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की इसकी आउटर पैकेजिंग है, इस साइड से, इस साइड से। अच्छा जी, ये मैंने लिया है चेज से। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने चेज से लिया है 4675 का। ठीक है जी, आपको अगर आप इसकी यानी कि जो नॉर्मल मार्केट्स वगैरह होती है वहाँ से आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन जो इस तरीके की चेज़ अप हो गया, नाहिद हो गया या इम्तियाज़ हो गया, इन पे आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं और प्राइस बिल्कुल फिक्स जो होती है उनकी उस पर मिलते हैं, तो कम प्राइस पे मिलते हैं। तो कोशिश क्या करें कि सुपर मार्ट्स वगैरह से ही बाई करें अगर आप कोई इस तरीके की मशीन बाई करें। ठीक है जी, तो ये ओरिजिनल फ्रॉम निकाई है। अच्छा जी, 2 ईयर्स की इसकी वारंटी होती है। चेज़ अप वाले आपको स्टैंप लगा के देंगे या जहाँ से भी आप लेंगे तो वहाँ से स्टैंप ज़रूर लगवाएं। ठीक है, इसका मॉडल नंबर है NH300S। सही जी, और ये साथ में आता है विद 2 सेट्स ऑफ अटैचमेंट्स। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस किस चीज़ के लिए। 6 स्पीड्स विद टर्बो फंक्शन। ठीक है, चलिए जी, अब बगैर टाइम वेस्ट के इसको खोल लेते हैं। ये इसकी हैवी मेटल बीटर्स हैं। सही है, ये 2 इस तरीके से बीटर्स हैं, हैवी मेटल है, बिल्कुल हैवी मेटल है, क्योंकि मैंने और भी बीटर्स यूज़ किए हैं तो ये उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। सही है ना, हैवी है, ये नहीं बिल्कुल हल्के हैं। अच्छा, ये हैं डो बनाने वाले। ठीक है, डो मेकर्स, ये भी अच्छी हैवी मेटल है। ठीक है, अच्छा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, वो बिल्कुल पतले पतले हैं और वो वैसे नहीं है। अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, हैवी है और थिक है। सही है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं मशीन पर। सही है, ये मैं डब्बा हटा रही हूँ, ये आपके सामने मशीन है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हो, मैं आपको सारी साइड्स से दिखाऊंगी। ये इसके जो बटन वाली साइड्स हैं ये भी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगी। सही है, अच्छा, मैंने यूज़ करके इसीलिए पहले देखी क्योंकि अगर मैंने यूज़ नहीं की हुई तो फिर आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं आपको रिव्यू देने का, इसलिए मैंने यूज़ करके पहले चेक करी। अच्छा जी, देखिए, मेड इन चाइना है ये। ठीक है, लेकिन जो है इसके पार्ट्स वगैरह जो है वो बाहर से आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पावर वगैरह सब लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, 300 जो है क्या नाम है वॉच की है ये। ठीक है, अच्छा, इसका ये चेक कर लें, इस पर कैप है, विच आई रियली लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैप इस तरीके से दिया हुआ है। सही है, तार काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ कि तार लंबा नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको बड़ा परेशानी होती है कोई भी चीज़ को करने में। तो आप ही देख सकते हैं तार कितना लंबा है इसका। सही है, ये देखें, काफ़ी लंबा तार है, तो आप आसानी से यानी थोड़ा दूर अगर आपका प्लग है तो आप ले जा सकते हैं। सही है ना, और साथ में जो है वो इसका ये आपको मिलता है मैनुअल। सही है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जस्ट इन केस अगर आपको कुछ चाहिए तो। सही है, अच्छा, अब हम इसको ट्राई करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही प्लग है तो मैं लाइट मेरी थोड़ी सी डिम हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छी तरीके से ये ट्राई हो जाएगा। सही है ना, तो ये मैं इसके अंदर इस तरीके से लगा रही हूँ, ऐसे फिक्स हो जाता है। अच्छा, इसकी मशीन भी हैवी है, ऐसे आप देख सकते हैं। सही है ना,
अच्छा ये मैं बता दूँ, ये इजेक्ट का जो बटन है इससे ही ये निकलता है, ये ऐसे निकालने की कोशिश ना करें, सही है ना। अच्छा ये बाकी 1 से लेकर 6 तक के आपके इसके वो हैं कि आप इसको कितनी पावर तक लेके जाना चाह रहे हैं। साथ में ये टर्बो का बटन भी है, टर्बो की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप ऑलरेडी ये जो 6 हैं बहुत हाई पावर के हैं। तो चलिए जी मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। लाइट थोड़ी सी बंद हो जाएगी, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, सही है क्योंकि मैं अनकट वीडियो बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। अच्छा जी ये मैंने लगा दिया, अब ये मैं इसको चला रही हूँ, ठीक है। चलाती हूँ मैं, 1 पे चलाऊँगी, ठीक है, और टर्बो पे आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं 1 पे इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा थी, और अब मैं जो चलाऊंगी ये 6 पे चलाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने 1 पे चलाई थी, अब मैं 6 पे चलाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी इसकी स्पीड, ठीक है। अच्छा है, मशीन हैवी है, ठीक है, तो ध्यान से पकड़ें। अच्छा जी अब मैं इसको इजेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इजेक्ट करेंगे तो ये आपके ऐसे हाथ में आ जाएंगे। सॉरी, सही है ना। तो जी ये था मेरा रिव्यू निकाय का। आई थिंक के बहुत अच्छी चीज़ है, और 2 ईयर्स की वारंटी भी है इसके साथ आपके, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मशीन है और सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के बनाई गई है। इसका जो तार जो है वो अच्छा खासा लंबा है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, हैवी मेटल में है, ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी। तो जी बिल्कुल रिकमेंडेड है, और तो बस यही था मेरा रिव्यू। थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस प्रोडक्ट पे करूं, किस प्रोडक्ट का रिव्यू करूं और क्या करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।